फौजी बेटा घर आ चुका है। अगले तो मिल जाए यार। यार भैया की करने लग गए हैं बहन मालिश। बचपन का बदला ले लेता हूँ इसी बहाने। इसी सावन महीने का ना पहला सोमवार ठहरा और उसी दिन वर भी घर आ गया हमारे महादेव। महादेव वर। मम्मी से मिलके कैसा लगा? बढ़िया लगो। और कौन मिले वहाँ आपको? ये देखिए दोस्तों, ननद जी जाने लग गए हैं रोड पे हस्बैंड जी को लेने के लिए। तो दोस्तों मां रखी थी नीचे बकरियों को बांधने के लिए गोट पे, ससुर जी गए थे बकरियों को चराने के लिए जंगल। तो आ चुके हैं ससुर जी बकरियों को लेके घर पे। तो अम्मा बना रहे हैं दिन का लंच, ननद जी गए हैं रोड पे हस्बैंड जी को लेने के लिए। तो दोस्तों देखिए देवर जी भी मेरे साथ आ रखे हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फ़ोन दे दो, उसके बाद भैया आने वाले हैं फिर मेरे को फ़ोन नहीं देने देंगे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़ोन चलाने दो बोल रहे हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा फ़ोन दे रखा है। दया जैसी भी आ रही थी तो ये देख रहे हैं फ़ोन। चलिए फिर दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं पहाड़ों के खूबसूरत वादियों के बीच से। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रखा है और कितने प्यारे प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं आपको। वैसे दोस्तों मेरे को टाइम नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, क्योंकि कल का ब्लॉग मुझे एडिट करना था, पोस्ट करना था, तो उसी पे लगी पड़ी थी और बारिश भी लगी थी, काम भी कर रही थी, उसकी वजह से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नए सुबह से नए दिन से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11:30 बजे से। फाइनली दोस्तों सुबह के सारे काम तो हो ही चुके हैं, फिलहाल बारिश भी बंद हो चुकी है। तो अभी मैं कर रही हूँ हस्बैंड जी का वेट। हस्बैंड जी पहुँच चुके हैं रोड पे, तो ननद जी गए हैं उनको लेने के लिए। कल से मेरे हस्बैंड जी अभी पहुँच रहे हैं, तो अभी आपको भी मिलाते हैं हस्बैंड जी से। ससुर जी भी आ चुके हैं बकरियों को चराने से घर पे, और सासू जी भी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मायके गए थे सासू जी कल, तो आज सासू जी भी मायके से आने वाले हैं। आपको दिखा देते हैं आज का मौसम। आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है और धूप भी नहीं आ रखी है। ये देखिए बहुत ही मस्त नज़ारे आ रहे हैं आजकल पहाड़ों में, क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई हुई है, हरा भरा हो रखा है क्योंकि आजकल बरसात के दिन ठहरे। ये देखिए आज के मौसम की बात करी जाए तो देखिए प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं और चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, क्योंकि मैं अपने घर से थोड़ा सा इधर को आई हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। जी मेरे भाई से बात कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर है, ये मेरे बड़े वाले भाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक पुतेल, एक बिस्कुट, एक चॉकलेट, एक दुकान। देवर जी आज आपके दद्दा आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को मारा ले आता, डर लगा है, बोल ले लगना है उसको। क्या लगना बोल? क्योंकि बात है वो चॉकलेट गट। अच्छा और गट क्या लगना? गट क्योंकि मैं एबीसीडी में आई हूं, मैं मारल एबीसीडी ना जो मार लगा है। ऊपर जी का बोलना है डर भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मेरे को चॉकलेट देंगे बोल रहे हैं, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे मारेंगे बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तों हस्बैंड जी पहुंचने वाले हैं घर पे, ननद जी गए हैं रोड पे लेने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मिलने के लिए। चलिए फिर चलते हैं ऊपर छत में और आपको भी मिलाते हैं हस्बैंड जी से। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हस्बैंड जी से मिलने के लिए। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं, मिलते हैं अब। बहुत ज़्यादा डर जैसी पता नहीं क्यों लग रही है आज। ये जा रही है फौजी साहब से मिलने। फौजी बेटा घर आ चुका है और देखो अपने पापा से मिलने। ए भैया आ रहे हो? यहाँ रे अजी यार, ए यार गले तो मिल जाए यार। यार चल यार, यार रोने लग गया। रो रही है, मुंह बिचका के नहीं रो रही है। पानी ला। बैठ जाओ।
सो दोस्तों फाइनली हो चुका है खाना पीना, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी हो ही चुका होगा। हस्बैंड जी घर पे पहुँचे तो उसके बाद अम्मा ने हस्बैंड जी को हरेला चढ़ाया, तो उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खा के दोस्तों बर्तन झाड़ू भी कर लिया है। चलिए फिर अब बांधते हैं भैंस को बाहर पे। आप थोड़ा गाय बच्चों के लिए चारा वगैरह डालते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। क्या बना रहे हो? बिस्तर? अच्छा, ये सूता डालने से होता क्या है? तो नीचे इससे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखे है, फिर पत्थर भी चुप जाते हैं, थोड़ा सा आराम मिलेगा उनको। अच्छा, जब लेटेंगे तो। अच्छा, क्यों आपको बिना बिस्तर की नींद आ जाती है? नहीं तो ये बात है, इसीलिए बिस्तर बना रहे होगा इनके लिए। हाँ, इसको कितनी बार यूज कर सकते हैं? वैसे एक दो बार इसको सुखा के यूज कर सकते हैं। अच्छा, सूखा होगा तो उनको रोज ही कर सकते हैं। अच्छा, अब डालते हैं घास, हरा हरा घास। आप भी खाओगी? हम खा चुके हैं भात दाल, ये खाएंगे घास। अब लाएंगे गोट से, मेहमानों को लाएंगे। अब चलिए फिर हो चुके हैं भैंसों को बाहर बांधने का काम भी। अब थोड़ा सा इनको पानी देके आराम करते हैं। अच्छा, फिर आज मेरे महादेव घर पे आए हैं। वो तो सही रहा, सावन महीने का पहला सोमवार है आज। वैसे भी सावन महीने का ना पहला सोमवार ठहरा। हाँ, और उसी दिन वर भी घर आ गया हमारे। अच्छा, और महादेव जी भी घर पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए खुशी होती है। पहला कैमरा घर आते ही देखिए दोस्तों, भैया के करने लग गए हैं बहन मालिश। इनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बल, इसीलिए बचपन का बदला ले लेता हूँ इसी बहाने। तो दोस्तों आज आप सभी को पता ही होगा सावन मास का, यानी कि जो सावन का महीना होता है उसका पहला सोमवार है। और आज ही मेरे महादेव जी भी घर पे पहुँचे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसा मौका दोस्तों किसी को नहीं मिलता है, आज ही सावन मास का पहला सोमवार है, क्योंकि इस दिन दोस्तों इस महीने में सभी महिलाएँ शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को पानी चढ़ाते हैं। तो सभी लोग मंदिर गए होंगे आज के दिन, तो हमारे पति देव जी भी घर पे पहुंच चुके हैं आज ही के दिन। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इनको तो नींद आ चुकी है क्योंकि सफ़र में थके होंगे कल से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर, सासू जी भी पहुँच चुके हैं घर पर। तो अब हम जाने लग गए हैं वॉक करने के लिए। आज हम फिर से जंगल की तरफ को आए हैं, पहाड़ों के खूबसूरत वादियों के बीच वॉक करते करते जा रहे हैं हम दोनों। ननद जी तो एक बार पहले द्योलक चले गए हैं, ये तो डेली जाते हैं, रोज एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं द्योलक तक, फिर एक डेढ़ घंटे के बाद वापस आ जाते हैं। फिर से मेरे साथ आए हैं, आजकल मैं भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो मैंने सोचा आज शाम को जाके आते हैं वॉक करने। तो हम इसीलिए हम दोनों आ चुके हैं। भाभी ये देखो, ऐसे दिखाओ, जैसे बोलो हरा भरा शुद्ध हवा शुद्ध पानी। पहाड़ में दोस्तों जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। चारों ओर देखो कितनी प्यारी हरियाली छाई हुई है।
वो तो घर के अंदर भी आ जाए, ऐसा ही है तो एरिया। चलो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा सुनसान टाइप का है, तो हमें अपनी जान की परवाह करते हुए घर की ओर चलना चाहिए। शायद आपको भी ऐसी लगता होगा ना। एक तो हम आए हैं जंगल की ओर, फिर एक तो रात होने वाली है, खतरा भी है इधर को। सही, जंगली भैंस सुअर बाघ भी आ सकते हैं। एक तो यहाँ सुबह दिन में जो आ जाते हैं, अभी तो रात हो रही है, पक्का आ ही जाएगा। एक तो मैं ऐसी हालत में यहाँ आ रखी हूँ, फिर मेरे को ही डांटेंगे सब लोग। वहाँ जाना ज़रूरी था उस साइड को, इस साइड को, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जंगल एरिया है ना हमारे घर से इधर को। हम रहते हैं जंगल में। मैं खबर नहीं जा रहा। आई जी आज मायके जाके कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लगो। मम्मी से मिलके कैसा लगा? बढ़िया लगो। और कौन मिले वहाँ आपको? भाई। ये ब्लॉग बढ़ने को नहीं है, मैंने कहा कोका का दिखे भैबिल फिर तब नहीं खबर जी जी को दिनी। चलिए फिर दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलकुल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।